अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी, प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात, कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज सीईओ राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस तकनीक के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को जोर देंगे। अमेरिका के डेलवायर में क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा भी रहे मौजूद। क्वाड बैठक में बोले पीएम मोदी, ये बैठक उस समय हो रही है जब दुनिया तनावों और संघर्षों से घिरा है। क्वाड का साथ मिलकर चलना पूरी मानवता के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता के क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान, सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। क्वाड सम्मेलन में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की अगवानी की बाइडेन के स्कूल में हुई बैठक। बैठक से पहले क्वाड लीडर्स का फोटो सेशन भी हुआ। पीएम मोदी के ठीक बगल में खड़े रहे बाइडेन ने कंधे पर हाथ भी रखा। क्वाड नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जताई चिंता, आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। क्वाड बैठक से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, दोनों के बीच एक घंटे चली बैठक। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत को बेहद सार्थक बताया। एक्स पर लिखा कि हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक्स पर लिखा, अमेरिका और भारत के बीच मौजूदा संबंध इतिहास में सबसे मजबूत है, दोनों देश एक दूसरे के करीब हैं। बाइडेन ने लिखा कि वो और प्रधानमंत्री मोदी जब भी साथ बैठते हैं तो सहयोग की नई संभावनाएं बनती हैं। जो बाइडेन ने अपने घर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया, दोनों नेता एक दूसरे के गले लगे। डेलवायर एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर लोगों ने मोदी के नारे लगाए। अमेरिका में बसे लोगों ने गुजराती नृत्य का स्वागत किया। आज जम्मू के चुनावी रण में फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नौशेरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू में रोड शो करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, चार जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार, जिंद, सोनीपत और करनाल में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे, अंबाला और नरोंदा में रैली को करेंगे संबोधित। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बोले कुमारी शैलजा को कांग्रेस मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस का डीएनए ही आरक्षण विरोधी है, वो गरीभों का विकास नहीं चाहती है, सीएम सैनी का आरोप। भिवानी में सीएम सैनी ने युवाओं से किया संवाद, कहा कि बिना पर्चे बिना खर्ची के 2 लाख नौकरियां देंगे। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खट्टर के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी पहले अपना घर देखे उसके बाद नेता पार्टी छोड़े। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे, इसे पूरे हरियाणा में आक्रोश, बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, आप कैंडिडेट सतीश यादव के लिए वोट मांगे। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा कि हरियाणा में देश से 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। आप नेता गोपाल राय बोले हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आपके सांसद संजय सिंह का बयान, हरियाणा में बिना केजरीवाल के समर्थन के सरकार नहीं बनेगी, समर्थन वाली सरकार पर केजरीवाल का कंट्रोल होगा। केजरीवाल के किंगमेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का तंज, मुझे हुए दिए से क्षमा रोशन नहीं की जा सकती। हरियाणा के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, आईएनएलडी बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने दिया भरोसा, कहा कि पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। तरुण चुग ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला, कहा कि गांधी परिवार की महापरिक्रमा छोड़कर कांग्रेस पार्टी बचाइए। तरुण चुग ने निशाना साधते हुए कहा कि लगातार 2 दर्जन चुनाव हार चुके हैं, अब भी चुनाव हारने के डर से नया हथकंडा ला रहे हैं। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा कि सीएम सोरेन भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे घुसपैठियों को भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी, राजनाथ सिंह का बयान। राहुल गांधी पर भी राजनाथ ने साधा निशाना, कहा कि उन्होंने सिखों को उकसाया, अमेरिका में भारत की छवि खराब की। राहुल गांधी ने सिखों पर दिए अपने बयान को शेयर किया, कहा कि बीजेपी मेरे बयान पर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जवाब दिया, कहा कि भारत में सिखों के लिए काला समय साल 1984 का था, पगड़ी उतारकर जान बचानी पड़ी थी। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल, सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की है। बीजेपी महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का मांग, विधानसभा चुनाव में एमवीए कम से कम 24 मुसलमानों को टिकट दे। हुसैन दलवाई बोले लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, आज जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता दरबार।
आतिशी कैबिनेट में मंत्रालय का हुआ बंटवारा, सीएम आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन समेत 13 मंत्रालय। मंत्री सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, हेल्थ, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालय। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे, साथ ही विकास और प्रशासनिक विभाग संभालेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत को 5 मंत्रालयों का मिला जिम्मा, ट्रांसपोर्ट, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास। इमरान हुसैन फूड एंड सप्लाई और इलेक्शन विभाग के मंत्री। मंत्री मुकेश अहलावत को गुरुद्वारा, इलेक्शन, लेबर, लैंड और बिल्डिंग समेत 5 मंत्रालयों का जिम्मा। शपथ लेने के बाद केजरीवाल से मिली सीएम आतिशी, केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीएम बनने के लिए आतिशी ने केजरीवाल का जताया आभार, कहा कि यह भावुक समय, केजरीवाल अब सीएम नहीं। सीएम आतिशी बोली कि हमारा अब एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतिशी को दी बधाई, कहा कि दिल्ली के लिए खुलकर काम करें, हम पूरा समर्थन देंगे। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि उन्होंने 9.5 साल सिर्फ ब्लेम गेम में बर्बाद कर दिया। आतिशी के शपथ ग्रहण पर बोले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, एक बात तो साफ हुआ, सरकार ना तो जेल से चलेगी और ना ही बेल से। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले दिल्ली सरकार अब रिमोट से चलेगी और रिमोट अरविंद केजरीवाल के पास। आप नेता दिलीप पांडे बोले हमारी पार्टी ने ईमानदारी की नजीर पेश की है, इसी को आगे बढ़ाने ते हुए केजरीवाल ने पद छोड़ा था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने जताया संदेह, कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल को जमानत दिलवाई। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा उपवास का ऐलान किया, कहा कि 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति जाकर भगवान का दर्शन कर क्षमा मांगूंगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले वाईआरसीपी की सरकार ने जन भावनाओं को सम्मान नहीं किया। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले गोरखपुर से सांसद रवि किशन, समय आ गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने का संत नहीं योद्धा बनिए। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मोबाइल सैंपलिंग वैन से जगह जगह जाकर घी चेक कर रही है। पंजाब के नाभा में नकली घी बेचते पकड़े गए 2 युवक, घी के 96 डिब्बे और गाड़ी जब्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज की। रामपुर नगर निगम की सफाई मशीन की चोरी का है मामला। नागपुर के पाड़ी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, डिप्टी सीएम फडणवीस का इस्तीफा मांगा। धारावी मस्जिद के मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की 2 टूक, मस्जिदों के अवैध निर्माण पर हाल में ध्वस्त होंगे। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, धारावी में अडानी ग्रुप के आने पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगे की योजना बना रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर बोले अवैध निर्माण और कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में 9 मदरसों को बंद करने का आदेश, अवैध ढंग से उगाही का था आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। उड़ीसा में आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के यौन उत्पीड़न के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, कस्टडी में बदसलूकी पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्यप्रदेश के छतरपुर में एनसीईआरटी की किताब को लेकर विवाद, किताब के कंटेंट पर एक शख्स ने उठाया सवाल, पुलिस में की शिकायत। हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सड़क हादसे में घायल हुए, अस्पताल में चल रहा इलाज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने बताया रिपोर्ट के हिसाब से सुभाष बराला फिलहाल ठीक है, उन्हें बहुत गहरी चोट नहीं लगी है। मध्यप्रदेश के अनूपपुर में सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव, करीब 10 लोगों की तबियत बिगड़ी। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत सामान्य है। चंपावत के बनवासा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों को लेकर बैठक की, जिला अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। हमीरपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी, पैर में गोली लगने से घायल हुआ लुटेरा। घायल लुटेरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के कौशंबी थाना इलाके में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, केतन नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। एक अज्ञात बदमाश मौके से फरार हुआ, गिरफ्तार घायल बदमाश केतन के खिलाफ गाजियाबाद और नोएडा में दर्ज हुए 10 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गाड़ियों के से डीजल और पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, एक ट्रक, 20 लीटर चोरी का डीजल और अवैध हथियार भी बरामद। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने से हुआ घायल, बाकी 3 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान जंगल से गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव, एक व्यक्ति की मौत, न्यायिक जांच के आदेश जारी। एमपी के मुलताई में पुलिस की गुंडई थाने की खिड़की में युवक के हाथों को बांधा, एसपी ने एसआई को किया सस्पेंड। एमपी के बरेला थाने में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत, नाराज लोगों ने किया प्रोटेस्ट। बेंगलुरु में एक लड़की की निर्मम हत्या, शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखकर मामले में जुड़ी है पुलिस। चेन्नई टेस्ट में जीत से 6 विकेट दूर भारत, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए। भारत ने बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया की तरफ से तीसरे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने धमाकेदार बैटिंग की, दोनों ने 4th विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
भारत की तरफ से शुभमन गिल ने नाबाद 119 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 128 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 4 छक्कों की मदद से 109 रनों की धमाकेदार पारी खेली। तीसरे दिन खराब रोशनी की वजह से मैच रोका गया। स्टंप्स के समय बांग्लादेश के नजमुल हसन संटो 51 और शकीब अल हसन 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। बांग्लादेश की दूसरी पारी अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई। 62 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद 144 पर 4 विकेट। बांग्लादेश की तरफ से शदनम इस्लाम 35 और जाकिर हसन ने 33 रनों की पारी खेली। मोमिनुल हक और मुस्फिकुर रहीम ने 13-13 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट और बुमराह ने जाकिर हसन को आउट कर ओपनिंग साझेदारी तोड़ी।